फ्रेंड्स, होप यू गाइज आर डूइंग वेल। लास्ट क्लास में हमने मोल कंसेप्ट स्टार्ट किया था, तो वहाँ पे हमारे पास तीन फॉर्मूले आए थे बेसिक से। हमें मोस्टली दो ही यूज़ हम करने वाले हैं कि जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो हम कैसे निकालेंगे। पहला फॉर्मूला हमारे पास आएगा गिवन मास डिवाइड बाई मोलर मास से हम निकाल सकते हैं, और दूसरा हमारे पास क्या आएगा, ऊपर आएंगे गिवन नंबर ऑफ एटम्स या मोलिक्यूल्स डिवाइड बाई एवोगैड्रो नंबर। तो हमारे पास ये दो बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, इनसे हमारे पास सारे क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, हमारे पास इतने एटम दे रखे हैं किसके, कैल्शियम के, हमें क्या निकालने हैं, मोल्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स होते क्या हैं, गिवन नंबर ऑफ एटम डिवाइड बाई एवोगैड्रो नंबर। गिवन नंबर दे रखा है आपके पास, ये एवोगैड्रो होता है, दो पे कट के हमारे पास क्या आ गया आंसर, दो मोल आ गए। ऐसे सेम हमारे पास क्या है, 54 ग्राम ऑफ वाटर। वाटर की अगर हम बात करूँ तो वाटर हमारे पास क्या होता है, H2O। मास कितना आएगा, एक H का मास एक, दो का कितना हो जाएगा दो, सॉरी O का मास कितना होता है 16, हमारे पास टोटल मास कितना हो गया इसका 18। तो हमारे पास सिंपल सी बात क्या है, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास कितना है 54, मोलर मास कितना आ गया 18, डिवाइड किया हमारे पास कितना कट गया ये 3 पे, हमारे पास क्या आ गए 3 मोल्स आ गए। अगला क्वेश्चन हमारे पास सेम ऐसा ही है, मास निकालना है 5.5 एटम ऑफ पोटेशियम हमारे पास। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, आपको अगर एक ग्राम एटम दे रखा हो, मतलब क्या बात कर रहा है, ग्राम एटम का मतलब यहाँ पे क्या है, सिंपली हम बात कर रहे हैं यहाँ पे उसके मोल्स के रिगार्डिंग। तो एक ग्राम एटम का मास कितना होगा, उसके एटमिक मास इक्वल जो कितना होता है पोटेशियम का 39 ग्राम, हमसे कितने का पूछा है 5.5 ग्राम का पूछा है, तो हमारे पास क्या हो गया, उसको 5.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल है। अगला हमारे पास क्या आ गया, नंबर ऑफ ग्राम मोलिक्यूल्स निकालने हैं 68.4 ग्राम ऑफ शुक्रोज। शुक्रोज का फॉर्मूला इन्होंने दिया हुआ है, गलत लिख दिया यहाँ पे बच्चे ने, C12 आएगा यहाँ पे, C12H22O11 हमारे पास यहाँ पे आएगा, इसको करेक्ट कर लेना। तो हमारे पास क्या है, गिवन मास ऑफ शुक्रोज हमारे पास दिया हुआ है, मोलर मास हमारे पास दिया हुआ है, तो क्या हो गया 12, कार्बन का मास कितना होता है 12, 22 × 1 एंड 11 × 16 हमारे पास, दिस कम्स आउट टू बी 342 ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स निकालने सीधा से हमारे पास, तो क्या हो गया, गिवन मास कितना था 68.4, टोटल मैंने क्या निकाल दिया यहाँ पे हमारे पास, उसको डिवाइड किया 342 से, हमारे पास तो क्या आ गया 0.2, हमारे पास ग्राम नहीं, हमारे पास 0.2 क्या आएंगे यहाँ पे, मोल्स इसका आंसर आ जाएगा। तो आप इसे सिंपली क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। अगला हमारे पास बोल दिया 0.5 मोल रखे हैं O2 गैस के हमारे पास, तो सीधी सी बात है, नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास, हमें नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं, गिवन मास अपने को निकालना है, मोलर मास कितना होता है O2 का, एक का 16 तो कितना हो जाएगा 32, गिवन मास कितना आ जाएगा यहाँ से 32 × 0.5 कितना आ गया 16 ग्राम। बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे आप उनको अगर एक बार समझ गए तो आप आराम से वैसे भी कर सकते हो। हमारे पास कि देखो 0.5 मोल का मास पूछा है O एटम का, एक O एटम का एक अगर एक मोल दे रखा है उसका मास होता है 16, तो 0.5 का कितना हो जाएगा 8 ग्राम, सिंपल से हमारे पास कितना हो जाएगा उसका आधा हो जाएगा। तो आप कैसे भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अगला हमारे पास दे दिया, नंबर दे रखा है, इतने एटम दे रखे हैं, तो हमारे पास क्या करेंगे, इसको एवोगैड्रो से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास क्या आ गए हाफ मोल हमारे पास यहाँ से आ जाएगा, क्लियर है। ऐसे निकालने वही हमारे पास, इसने क्या बोल दिया कि एटम दे दिया, हमें क्या पूछ लिया, मास पूछ लिया, तो हमारे पास क्या है, अगर हाफ मोल हमारे पास आया है, एक मोल का मास 16 ग्राम, तो हमारे पास हाफ मोल कितना हो जाएगा 8 ग्राम हो जाएगा। तो इनका आप इजीली थोड़ा सोल्व आउट कर सकते हो। अगला बोल दिया हमारे पास एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम रखे हैं O2 के हमारे पास, तो मोल्स निकाल लो कितने आए, हमारे पास एक मोल आएगा, ये हर जगह बच्चे ने ग्राम लिखा हुआ है, आप इनको सबको मोल कर लेना। हमारे पास एक मोल आया, एक मोल का मास कितना होता है हमारे पास 16 ग्राम, तो हमारे पास क्या हो गया, O2 का पूछा है, एक O का मास कितना होता है 16, तो हमारे पास दो का कितना हो जाएगा 32 ग्राम, सिंपल है। विच हैज़ मोर एटम्स, तुम्हारे पास ये क्वेश्चन क्या बोल दिया, 100 ग्राम सोडियम दे रखा है आपके पास, 100 ग्राम दे रखा है आयरन, किसके एटम ज़्यादा आएंगे, तो सीधी सी बात, जिसके मोल निकाल लो, जिसके मोल ज़्यादा उसके एटम हमारे पास क्या आएंगे, ऑटोमेटिकली ज़्यादा आएंगे। तो हम ये कैसे निकालेंगे हमारे पास, तो क्या बोल दिया, गिवन मास दे रखा है सोडियम का 100 ग्राम है, एटमिक मास कितना होता है 23 ग्राम, नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हो, गिवन मास बाई मोलर मास, हमारे पास यहाँ से क्या आ गए, इसके मोल्स आ गए। आपको पता है एक मोल में हमारे पास कितने होते हैं, एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, डिफरेंस समझना, हमारे पास सोडियम होता है Na और जो एवोगैड्रो नंबर आएगा वो होता है Na, यहाँ पे कैपिटल लिखते हैं हमारे पास, इसका मतलब क्या होता है एवोगैड्रो नंबर, इसका मतलब क्या होता है सोडियम, तो यहाँ पे ये Na है, ए कैपिटल हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, इसका ध्यान रखना। हमारे पास क्या बोल दिया, नंबर ऑफ मोल्स आपने निकाल रखे हैं, अगर एक मोल में हमारे पास कितने आए, एक मोल में आपके पास क्या है, हमें मोल निकाल लिया हमारे पास, तो एक मोल में अगर कितने एटम्स होते हैं, एक मोल में होते हैं हमारे पास कितने एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स, तो हमारे पास 4.34 मोल्स में कितने आएंगे 4.34 × एवोगैड्रो,
तो आप इसको मल्टीप्लाई करना चाहो तो कर सकते हो। ऐसे आपको किस में निकालना है, 100 ग्राम में निकालना है। हम सेम ऐसे ही करेंगे, ये आप ट्राई भी करना। 100 ग्राम गिवन मास दे रखा है, मास कितना होता है इसका 56 ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स निकाल लोगे 100 डिवाइड बाई 56, यहाँ से क्या आ जाएंगे मोल्स, एक मोल में हमारे पास कितने एटम हैं एवोगैड्रो, ये जो मोल्स हैं यहाँ से आएंगे, इसमें क्या करना था इसको एन ए से मल्टीप्लाई, फिर दोनों वैल्यू चेक करना हमारे पास, ये वैल्यू ज़्यादा आएगी ये हमारे पास, ये ऊपर वाली जो वैल्यू ज़्यादा उसके एटम हमारे पास क्या होंगे ज़्यादा। बाकी सीधी सी बात ये है, जिसके मोल्स ज़्यादा होते हैं तो हमारे पास उसके एटम भी क्या आएंगे ज़्यादा। तो आप एक यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं, हमारे पास ऊपर वाला ये कितना था सोडियम था हमारे पास, तो क्या मोल्स आए थे 100 डिवाइड बाई 23, एक वैल्यू क्या है 100 डिवाइड बाई 56, तो कौन सी वैल्यू ज़्यादा हमारे पास आएगी, ऑब्वियस सी बात हमारे पास मैथ से हमारे पास ये वैल्यू ज़्यादा आएगी, तो सोडियम के मोल्स क्या आएंगे ज़्यादा, तो हमारे पास सोडियम के जो एटम्स हैं वो भी क्या मिलने वाले हैं ज़्यादा मिलने वाले। तो इसके और क्वेश्चन आपके पास बुक में भी दे रखे होंगे, आप क्वेश्चन ट्राई करिए, कोई नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ तक आप लोग करना है, टिल टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे होम, बाय।